सुनी तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे दीदी के जैसे लगती है। हाँ सच, मैंने कहा था ना मैं कोई भूत छूत नहीं हूँ। भाई दस मिनट पहले तो पहले ही बोला था। तेरे बोलने के चक्कर में भूत तुम्हारी चटनी बना देंगे। हमें कैसे भी करके चीकू को बाहर निकालना होगा वरना ये हमें मार डालेंगे। अगर वो भूत अंदर जाने नहीं दे रहे। अरे ट्राई तो करो। ओए मैं भूत नहीं हूं, मैं मिसेस खन्ना हूँ। इसीलिए तो और ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि तुम भूतनी की माँ हो, अम्मा हो, नानी हो, ताई हो, मासी। तूने मुझे भूतनी की माँ का। हाँ। मैं तेनु नहीं छोड़ूंगी। ओए मैनेजर इधर आ। ओए मैनेजर किधर जा रहा है? मैं तेरे ये तो भूतनी है। ओए बचाओ बचाओ। मुझे लगा वो भूतनी फिर से आ गई। मैनेजर अंकल आप इतना क्या कर रहे हैं? जब से पता चला इस होटल के अंदर भूत है सचमुच में तो मुझे तो फोन की घंटी से भी डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे भूतनी आवाज दे रही है। मैनेजर ऐसा। अंकल आप ये घंटी की आवाज बाद में निकालते रहना, पहले खन्ना आंटी के लिए टैक्सी तो मंगा दीजिए। वो यहाँ से अभी जाना चाहती है। अरे वो अभी जाना चाहती है, मैं भी खुद यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। मैं तो बस अपनी टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ। बस भाईदास भाई एक बार यहाँ पे आ जाए। मेरे भाई मुझे बचा लो। ओ भाई मेरी इज्जत आपके हाथों में, मुझे बचा लो। अरे मेहता भाई क्या बात कर रहे हो, और मेरी जान आपके पैरों में है मेहता भाई। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ मेहता भाई। आपको जो रेट लगाने का लगाओ, बस आप मुझे पैसा दो, मैं अभी चला। पैसा? अरे पैसा तो तुम मुझे दे दो जो मैंने तुम्हें एडवांस दिया था। मुझे ये होटल नहीं खरीदना है। क्या बात करो मेहता भाई। अरे ये जगह मुझे फ्री में भी नहीं चाहिए मेरे बाप। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। नहीं मेहता भाई देखो मैं आपके पैर पड़ता हूँ। एक मिनट। एक दूसरे के पाँव पड़ने से तो ये अच्छा है कि आप इस होटल को किसी मंदिर वाले ट्रस्ट को दान कर दो, फिर वो इस होटल में अच्छा सा मंदिर बनाएगा। और मैंने मूवीज में देखा मंदिर में कोई भूत भूत तो आते नहीं है। हाँ मैनेजर भाई ये छोकरी साचू बोले थे। मिला उसी बात का। भूतनी की औलादो ये तीनों हमें यहाँ से निकाल कर फेंकने का प्रोग्राम बना रहे हैं। जाओ देख क्या रहे हो, जाओ मेरे लाडलो, इन तीनों का वो हाल करो कि ये जो हमें भगाना चाहते हैं खुद हमेशा के लिए भागते रह जाएं। समझ रहे हो ना? जी भूत मम्मी जी। तो हमें यहाँ से भगाओगे? हम तुम्हें यहाँ से कैसे भगाते हैं? अरे ऐसे ही चलते रहे तो बाउंड्री के बाहर पहुंच जाएंगे। मैजिक से इनको रोक दो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रे तुम सुतो। भाई साहब बोले बहन जी मुंबई जाना है, छेती करो, पैसे की चिंता मत करो, किराया हम देंगे। अरे बहन जी गड्डी खाली नहीं है। ओए गड्डी तो खाली दिख रही है बेटा।
इस गड्डी को होटल के मैनेजर ने पहले से बुक कर रखी है। वो अपने गांव जाने वाले हैं। गांव जाना नहीं चाहता, भागना चाहता है यहाँ से। एक काम करो, तुम जल्दी चलो, मैं दुगना किराया दूंगी। इस होटल के मैनेजर ने पहले से दोगुना किराया दिया है। अच्छा, उसको तो फजूल खर्च करने की आदत है। कोई बात नहीं, मैं ना तिगने पैसे दूंगी, पर तीन गुने पैसे में टैक्सी भी तीन गुनी तेज दौड़नी चाहिए। ठीक है, बोलो पीठ कितनी? भूत भैया तीन गुनी। जब आप तीन गुना किराया दे रही हैं, तो तीन गुने स्पीड से ही ऐसी चलेगी? बोलो ऐसी कितना? भूत भैया तीन गुना। चलो 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 बैठो। बोलो इनकी हालत कितनी खराब होगी? भूत भैया तीन गुनी। अब देख गोलू का कमाल। इले केले पिले देख घुमा के चले। मैडम तीन गुना पैसा दे रही हैं आप, पर गड्डी तो अंदर से लॉक मत करिए। मैंने कहा किया है ये? ये लॉक हो गया है। कहीं भूतनी है। एले गेले पेले देख घुमा के चले। अंकल आप जा रहे हो? हाँ सचिन, लोगों को दुश्मन बर्बाद करते हैं, लेकिन मुझे भूतों ने बर्बाद कर दिया। मेरा जो कुछ भी था यही होटल था, यही मेरी कमाई का एक जरिया था। इसे खोने के बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। सुनिए अंकल, आप रोइए मत। देखिए आप हमें बस 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 एक दिन दीजिए, हम उन भूतों को भगा देंगे यहाँ से। डोंट वरी। नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। आप डरिए मत, हमारे पास चाहिए ना। मतलब आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से भूत भगा के लाएंगे। आई प्रॉमिस यू। भूत भैया ये तो हम ही चैलेंज कर रहे हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इंसानी खून हम तुझे भी देख लेंगे कि तुझ में कितना दम है। आज रात होगी आखिरी लड़ाई। तुम लोग मिसेस खन्ना के साथ चले जाओगे? नहीं अंकल, हमने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हम भूत भगाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। छेती करो, जल्दी जल्दी जाना है। मिसेस खन्ना, कौन है? कौन है? मैं हूँ। आप जा रही हैं? हाँ जा रही हूँ, अभी ऐसे वक्त। जाने से पहले आपको एक बात बता दूँ, अगर आप चली गई तो क्या होगा? क्या होगा? हमें ना इन भूतों से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं मिसेस खन्ना नहीं, अगर आप यहाँ से चली गई ना तो यहाँ जो भूत है वो आपके पीछे पीछे आपके घर मुंबई तक पहुँच जाएंगे। हाँ ऐसे कैसे घर तक पहुँच जाएंगे? मैं दरवाजे पे बोर्ड लगा दूंगी, विजिटर्स नॉट अलाउड, मेरा घर है। अब आपसे क्या छुपाऊं मिसेस खन्ना, अभी मैं भी यहाँ से चला गया था, लेकिन जाते जाते मुड़कर देखा तो मेरे पीछे भूतनी और उसके दो बच्चे खड़े थे। मैं डर के मारे भागकर वापस यहाँ आ गया। मैं की करा, मिस्टर खन्ना ने घर भूतों को देख लिया तो वो तो बेहोश हो जाएंगे। मैं की करा? इंतजार। मतलब ये कि एक बार इस भूतों की फैमिली को किसी और के पीछे चले जाने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से चले जाइएगा, तब आप भी सेफ रहेंगी और आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। मैं यही रहूंगी। मैं घर जाना, अजू कर।
कोई घर नहीं जाना। जब तक भूत यहाँ से नहीं चले जाते, यही तेरा घर है और यही तेरा स्कूल। चल। हमने स्टूपिड की तरह मम्मी और अंकल को कह दिया कि हम रात तक उन भूतों को भगा देंगे, पर कैसे? रिया, हम भूतों को नहीं भगाएंगे, भूतों को ची भगाएगा। ओह गॉड, बदियाना बैंड, तुम्हें याद नहीं? ची ची तो डर रहा था उन भूतों से, और तुम कह रहे हो कि वो इन भूतों को भगाएगा। ची ने अचानक भूतों को देखा था, इसलिए वो डर गया था। हुँ? अगर हम उसे समझाएंगे तो वो नहीं डरेगा। देखो, ची के पास जादुई शक्तियाँ भी है, वो भूतों को आसानी से हरा सकता है। सचिन, भूतों को भी मैजिक करना आता है, समझे? मान लो हमारे ची ने फाइट कर ली और फाइट में हमारे ची को कुछ हो गया, तो क्या करोगे? क्या कभी सोचा तुमने? क्या सबको पता चल जाएगा हमारे पास एक एलियन है ची, और फिर इन भूतों से ज्यादा रिस्की ये बाकी लोग हो जाएंगे हमारे इस ची के लिए, और इस डेंजरस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारा ची बहुत बहुत फिजिकली और मेंटली छोटू है, बिंदी बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है वो। सचिन, कहीं ऐसा ना कि भूतों को भगाने में हमारे ची को कुछ हो जाएगा। सचिन, हमारे ची को खतरा हो सकता है, अंडरस्टैंड? समझ रहे हो ना? हाँ रिया, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। एक प्लान है, उससे ना तो ची को भूतों का सामना करना पड़ेगा और ना ही ची को कुछ भी होगा। कैसा प्लान है सचिन? रिया, तुमने पड़ोसन फिल्म देखी है? हाँ, देखी। तुमने उसमें देखा था कि गाता कोई और है और लिप्स कोई और हिलाता है ना? हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे और सारे भूत भाग जाएंगे। आज मैं जवान हो गई हूँ। क्या करना है तेरे? तुम जानते हो ना क्या करना है? उल्लू को उल्लू बनाना है। ये दिनी सा। हमने कहा था ना, खन्ना आंटी उल्लू बनी जाएंगे, मगर तुम थी कि माने नहीं रही थी। बट सचिन, अब तो मैं मान गई हूँ ना कि खन्ना आंटी एक नंबर की उल्लू है। हमने 3 दिन से उल्लू बनाए जा रहे और उन्हें पता ही नहीं ये सब हम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सचिन, तुमने उन्हें उल्लू बनाया कैसे? हमने पास वाले गांव से एक आंटी को बुलाया और उनके 2 बच्चों को भी, फिर हमने उन तीनों का ना मेकअप किया और फिर उन्हें बिल्कुल भूतों जैसा बनाया और फिर खन्ना आंटी उनसे डर गई। ओए, तो ये सचिन की कारनी थी। वो मेकअप का सामान और वो भूतों के कॉस्ट्यूम ना तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए। रिया, डोंट वरी, खन्ना आंटी बहुत बड़ी स्टूपिड है, अगर वो स्टोर रूम में चली भी गई तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि ये सब भूतों के कॉस्ट्यूम पहन के वो खुद भी भूत लगेगी। हाँ सचिन, उनके दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि वो उनके साथ अक्षय और टुकटुक को भी भूत बना सकती है और हमारे नकली भूत को इस होटल से बाहर निकाल सकती है। रिया, आज रात को हम उन्हें वापस जाता हो देखेंगे। चलो, लेट्स गो। अच्छा बच्चू, तुम्हें क्या लगा मिसेज मीना कुमारी खन्ना कोई बेवकूफ है? ऐसे उल्लू बना के निकाल लोगे? एकदम ओरिजिनल आइडिया आया है मेरे दिमाग च। क्यों लग रही हूँ ना क्वीट? आज तो मैं उस गांव की चुड़ैल को ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर अपने गांव में चुड़ैल बन के घूमती रहेगी। और मैं तो उस गोलू के बच्चे की पूछ पकड़ कर ऐसे घुमाऊंगा जैसे कि वो अपने गांव में जाके गिरे। थैंक गॉड सचिन, हमें भाई दास मेहता के घर से वो भूत के कॉस्ट्यूम मिल गए। हाँ, खन्ना आंटी उसे पहन के तो एक नंबर के भूत भी लग रही है। हाँ, और अक्षय और टुकटुक गोलू बोलू। रुको भूतनी के पुत्रो, रुको, आज कहाँ से शुरू करें? मम्मी, आज सचिन को पकड़ते हैं, वो हमसे बिल्कुल नहीं मिलता, और उसके बाद वो रिया। चलो अटैक। ओए भूतनी पे कपूत, मीट मिसेस खन्ना पे सपूत। ओए मम्मी, ये लोग तो डरे नहीं रहे।
तो कोई बात नहीं, जमा थप्पड़ लगा मुक्का, जरा फिर से गिरा नीचे। मतलब? अरे मत बल मार, अटैक चलो। देखा रिया, अगर अगर इंसान के मन में डर ना हो तो वो कुछ भी कर सकता है। देखो कल खन्ना आंटी, अक्षय और टुकटुक इन भूतों से कितने डर रहे थे। हाँ, और आज देखो, डुशुम डुशुम। बोलो बोलो, हवा में उड़ जाओ, फिर ये लोग हमें नहीं पकड़ पाएंगे, फिर हम इन्हें मारेंगे। पुत्र, अगर ये नकली भूत है तो हवा में किस तरह से उड़ रहे हैं? मम्मी, मेरा दिमाग कह रहा है कि ये नकली भूत है ना, नकली उड़ रहे हैं। हाँ। ओए, मिसेस मीना कुमारी खन्ना को नकली माल दिखा के डराते हो? और नीचे आओ, नीचे आओ, डरपोक की थोड़े नीचे आओ। हमको डरपोक बोलती है? बोलो बोलो, इस मोटी को अपने जादू से आग में जला दो। जी भूत मम्मी जी। जी जी, जादू ठीक से करना, ओके? कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बेस्ट ऑफ लक। एले गेले पेले। और चुप कर तेरी लाल पीली, मैं सुनाती हूँ तुझे। तुरक 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 दे घुमा के तेरी दादा दा। ये मोटी तो जादू भी जानती है। ये जादू मैंने कैसे किया? पर खैर, कर दिया। अब मैं तुझे वो ताकत दिखाने जा रही हूँ जिससे तू और तेरा पूरा खानदान हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। गोलू गोलू, जाओ अपनी शैतानी ताकत दिखाओ। जी भूत मम्मी जी। ओए, देख मैं फिर से दिखाती हूँ। अकड़ बकड़ बम्बे बो ते 80-90 पूरे 100। बोलो बोलो, वापस आओ। एक चींटी जैसी मोटी का तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वापस आओ। ओए, ये कास्ट्यूम तो कमाल का है। इसने मुझे ते मेरे दोनों बच्चों को जादूगर बना दिया है। आप सुन ले भूतनी, अब मैं मिसेस मीना कुमारी खन्ना तुझे भस्म करेगी। जी लाइट बोर्ड फेंकने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि क्योंकि खन्ना आंटी कहीं भी मैजिक कर सकती है। के काला कुआ काट खाएगा, ले। बोलो बोलो, भागो, आग हम भूतों के दुश्मन है। रुक, भागते कितने हैं? रुक रुक। नहीं, अब हम किसी को नहीं परेशान करेंगे, हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। भागो बोलो बोलो, भागो। थैंक यू सचिन, तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया और मुझे एक नई जिंदगी दी। थैंक यू सो मच। देखिए अंकल, आपको हमें थैंक यू नहीं कहना चाहिए। हाँ, आपको खन्ना आंटी को थैंक यू कहना चाहिए। खन्ना आंटी को? जी, क्योंकि उन्होंने उस भूतनी को भगाया है। आप ये कॉस्ट्यूम अब निकाल लीजिए ना, भूतनी तो गई। नाना सचिंदर, ये कॉस्ट्यूम जो है जादू का है। इसने ना मेरे अंदर की जादूगरनी को जगा दिया है। इसने मुझे मौत का गोला फेंकने सिखा दिया है। बहन जी, बहन जी, अब आपको भूतनी बनकर जादू करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी टैक्सी को हवाई जहाज बना दिया है। हवाई जहाज? हाँ, हवाई जहाज। 5 मिनट में मुंबई, चलकर देखिए। आई आई आई, अरे आई 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 आई। बाय सचिन, बाय मिसेस खन्ना। बाय जी, बाय।